अभी अभी हम जा रहे हैं ना दूसरी जगह पे, और यहाँ पर देखिए सारा कच्चा रोड बिल्कुल बड़े बड़े गोरे गोरे जने धक्के हैं, बड़े बड़े धक्के हैं और बंदा ऐसे करता रहता है। हाँ ये देखो ना ऐसे ऐसे कैसे कर रहे हैं, बड़े बड़े धक्के हैं, बड़े बड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? करता हूँ सबकी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह जी व्लॉग मेरा हो गया है स्टार्ट, तो अभी फिर जा रहे हैं शहर। वो निकाह फार्म जो हमने कल करवाया था ना मुस्लिम का, वो हमने जमा करवाना है। तो गाड़ी अभी हमारी ये खड़ी है, उसको लगाते हैं सलाफ। कौन बाल्टियाँ शाल्टियाँ उतने चाह रखे थे, शीशा इसका साफ कर लेते हैं ना। शक कर लिया है अभी, हाँ पुत्रा। उसके बाद चल ये गाड़ी कटवा, गाड़ी दसामी अगू पिछू। हाँ ठीक है निकाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी गाड़ी निकालते हैं, मामू को फिर बुलाते हैं, तो मामू आएंगे ना। ऐसे चला लेते हैं इस बार, गर्मी और अभी मामू को बुला रहे हैं, मामू के साथ भी आ रहे हैं, फिर उसको उठाते उठा के सामान शमान अभी बांध रही हैं, तो मामी को छोड़ने उधर खाला वालों के घर, तो मामी उधर रहेगी, हम फिर चले जाएंगे फॉर्म वगैरह जमा करवाने के लिए। और उधर जो हमारा निकाह खान है ना, उसको भी कॉल शॉल करनी है, और उसको भी जो है ना हमने साथ लेके जाना, क्योंकि बहुत कौनसलर की काम है, और यूनियन कौनसलर की काम है, वो करेगा। तू क्या आंदी वीडियो दे विच, तू आंदी? हां आंदी आंदी हां हां हां। वो बैलगाड़ी भी आ रही है, डांस रेडी आंदी पिए। अच्छा मुंशी किधे गया हमें? अच्छा Thank you.
खोल दूं। हैदर इस खिड़की से आया हुआ है। हैदर चलो जी, मामू वाले जो है ना बैठ रहे हैं अभी। अभी पता नहीं है। वो अपने मामू को फोन करके पूछ रहे ना। चलो जी बैठ रहे हैं मामू। चले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदरी हैदरी, एसी वाली गाड़ी में चस आती है। कितनी चासा दिया है, बहुत सारी। पक्की गाल साओ। हाँ जी हाँ, जिंदाबाद। पक्की गाल है। जिंदाबाद भी जिंदाबाद। गाल नहीं है, पक्की गाल है, बिल्कुल पक्की गाल है। ये मौसम चेक करो, पक्की गाल है। पास गए हैं तो काजी ने बोला एक घंटा दे रहे हैं। तो फिर मामू मामी को जो है ना इधर छोड़ा है खाला के घर में, तो वो अभी इधर घर में है। मैं इधर बैठ गया आराम से, सुकून से छांव पे, इस खजूर की छांव पे, ये देखें। तो अभी फिर मामू कहते हैं कि उनको उठाते हैं ना, तो और रिश्तेदारों के घर में ले जाते हैं, उनको उधर छोड़ते हैं मामी साहिबा को, और उसके बाद जो है ना हम वापस आ जाएंगे। तब तक एक घंटा भी गुजर जाएगा, तो उसके बाद फिर चले जाएँगे उधर निकाह नामे के लिए। अभी मामू अंदर गए हुए हैं, अब वो मामू अंदर गए हुए हैं, ये अभी वापस आते ही होंगे। बस फिर जो है ना चलते हैं, फिर हम मामी साहिबा को उधर छोड़ेंगे नए रिश्तेदारों के घर। सॉरी यार, पुराने रिश्तेदार हैं लेकिन वो हैं अपना थोड़ा साइड एरिया में, कच्चे में, उधर छोड़ के आते हैं इनको। अभी अभी हम जा रहे हैं ना दूसरी जगह पे, और यहाँ पर देखिए सारा कच्चा रोड, बिल्कुल बड़े बड़े गोरे गोरे जगह देखे हैं, बड़े बड़े धक्के हैं, और बंदा ऐसे करता रहता है। हाँ ये देखो ना, ऐसे ऐसे कैसे कर रहे हैं, बड़े बड़े धक्के हैं, बड़े बड़े। तो पीछे आप लोगों को मैं दिखाऊँ कौन कौन बैठे हैं। नानी भी आ गई है। हाँ जी, क्या हाल है तेरा? इसने सोचा जान छूट गई है, जान नाने कनु, नाने दादे कनु जान छुट दी है। क्या नहीं छुट दी रहा कहना, मैं आके बस उन्हें कैमरा चलेना थे ना, भला मैं गाल करे ना कि में हाल है, भला मैं पूछ दा कि में रात गुजरी है मछले च। बिजली आई पे, बिजली उठाइया में। अच्छा अच्छा अच्छा, हवा हवा रुक गई थी, मच्छर आ गए थे। इसलिए मैंने बोला था, मैंने बोला था, बोला क्या काम करते ने मेरा खटाल सके ने मेरे मकर के नेड़े। हां वो ले ले तो उठा रात में पानी में रह गए ना ने तेरे चले सारा तो चले पाए थे वाले कुत्ते पेरेंट ये तेरे अंत बात उठी के खा सामान वाले तो। अच्छा ले ले तो मेरे को नहीं किया। अच्छा हां
सामने जो फूल नजर आ रहे हैं ना सूरजमुखी के, ये बड़े जबरदस्त फूल होते हैं। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को ये वाले, ये देखो वाली वाह। ये मतलब ऐसे है ना जैसे आज सूरज जहाँ से भी निकले ना, ठीक है ना, जिधर है मतलब सूरज का रुख होगा इनका भी सूरज की तरफ रुख होगा। ये इस तरह के होते हैं, सूरज को देखते रहते हैं। हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं सूरजमुखी। सूरजमुखी का मतलब ये है सूरज को चिपकी रहती है, सामने खड़ी रहती है, इधर उधर नहीं जाती, ऐसे ना। हाँ जी। और इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तेल बनता है, घी बनती है, बनता है और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अभी जो है ना हम जा रहे हैं और हमने ना एक बंदे को अचानक से हमारा मूड बन गया, हमने ना जाके एक बंदे को देना है अचानक से बड़ा सरप्राइज। और वो बंदा जब हमारा सरप्राइज देखेगा ना फिर बोलेगा सरप्राइज तो बढ़ गया, देखता ही रह जाएगा। हाँ जी, सारे जा रहे हैं और आज हमने बहुत बड़ा लंबा सफर करना है, पूरे 400 किलोमीटर का सफर करना है। अचानक से मूड बन गया, अभी निकल रहे हैं हम, शीशे डाउन हो गए, अभी ये भी शीशा डाउन होगा क्योंकि गर्मी बहुत है। अभी सब लोग बैठ रहे हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, निकलती हैं। आज हमने आप मैं आज मार्च में बता रहा हूँ बहुत बड़ा सफर कर रहे हैं, पूरे 400 किलोमीटर का, समझो जैसे कराची का आधा सफर होता है ना वैसे सफर कर रहे हैं। बहुत लंबे टूर पे यार, ये नादरा वाले ना लड़ गए हैं। हाँ, इन्होंने कहा है अल्ताफ भाई, नहीं अल्ताफ भाई वो मुजफ्फरगढ़ वाले। हाँ, टू वाले। हाँ, कहा है जो वो निकाह फार्म बना के देगा ना, अच्छा, आजकल ऐसे इलाके में पूरे मुजफ्फरगढ़ में ना सिर्फ उसके चल रहे हैं निकाह फार्म, अच्छा, उधर से बनवा लाओ तो अभी उधर चलते हैं, अच्छा, उधर से फार्म बनवाएंगे फिर वो नादरा को देंगे। और, और। नादरा वालों ने ये शर्त रखी, ये तो बड़ी बात कर दी है नादरा वालों ने। चले जी गाड़ी कटे कटे करके ना कटे वो बड़े बड़े बिके पता। चले जी निकल रहे हैं अभी, फुल फुल जैसे बोलते हैं ना हमारा गांव, फुल बड़ा गांव, फुल देहाती गांव में हुआ है। ये देखे सड़कें चेक करें, ये देखे फुल देहाती गांव, शहरी गांव कहते होते हैं, फुल देहाती गांव में तो आ गए हैं, फुल देहात के गांव में आ गए हैं। दिखाए देख क्यों जंप लग दे पेन को दा। हाँ, ये तो गाड़ी अगर स्लो करें तो गाड़ी फंसी है ना। गाड़ी नहीं फंसेगी, चाहे तेज करें। देखो सरिया सरिया लोग लगे पेन, जिसको बोलते हैं मुंजी, वो सरगोदे में और छांग में और मंडी बहादिन वगैरह, इधर बोलते हैं मुंजी, उधर मुंजी बोलते हैं। मुंजी हम बोलते हैं चावल की फसल, हम बोलते हैं सरिया सरिया। हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ा जंपू, बड़ा जंपू और तो गाड़ी कहने लगती थी तले को ना, इसका इसका पीछे वाला जो हिस्सा है ना वो हमने उत्ते करवा दिया है, ऊंचा करवा दिया है, सॉरी, इनका पीछे वाला जो है ना ऊपर करवा लिया है, वरना हमारी गाड़ी की गांड नीचे लगती थी। फिर हमने कहा कभी एसियां करती रहे, हाँ हमने कहा फिर कभी ऐसा ना हो कि कहीं बड़ा धक्का है फिर हमारी गाड़ी की गांड फट जाए, फिर हमने ऊंची करवा दी। मतलब पीछे जैसे होता है ना हिस्सा लग के नीचे टूट जाता है बम्पर का, पीछे वाला जो बम्पर है उसको भी नुकसान पहुंचता है काफी सारा, और
जो हिस्सा होता है ना नीचे वाला उसको भी काफी सारा नुकसान पहुंचा। पिछू शीशे तो दिखे ना धूड़ो देखो वो देखो पिछू धूड़ गोदा गोदा वड़ी धूड़ है ई धोड़े गोदा मम्मू लुकई वेंदनी वो बच्चे आ रहे हैं ना स्कूल वाले हां इसलिए मिट्टी काट दी है तो कहीं अच्छी बात नहीं है धूल जाएगी ना उनके ऊपर लेकिन स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर मैं धूल नहीं डालना चाहता। सही अच्छी बात है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि हम कहां जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कोट अदू। ठीक है तो आप लोगों को पता होगा कोट अदू में जाके हमने क्या काम करना है वो मामू असलम ने पहले बता दिया है। हम उधर जा रहे हैं बड़े बड़े थोड़े मिल रहे हैं यार नादरा दफ्तर के। हाँ जी इधर वाला आज देख लिया ना गोदा अगर ये नहीं चलने वाला भाई से निकाह बनवाओ उधर से फार्म बनवाओ फिर चलेगा। गोदा जिसने दूर से आना है नादरा दफ्तर वो कम अज कम ना 10 दिन तो मतलब सोच के आए कि 10 दिन का मेरा काम लाजमी है। ठीक है ना ये ना सोच के आए कि मेरा 1 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा फाइनल हो जाएगा वो 10 दिन सोच के आए कि 10 दिन का मेरा काम है। क्या था बेटी वे कितना चढ़ गई गाड़ी रोड़ते ना नोलते रोड़ते रोड़ते जा गाड़ी चढ़ने वाली है। ये देखिए मम्मी भी जाएंगी ये डैडी फाजिल के खज्जा हैं। और ये हमारा ओ मसाद के ना दरवाजा खड़के ना करी भाई वो बात लगा नहीं बचा ओ भाई बोरे दे वो जाते पैदा करे जाते पैदा करे फरोग मसाद है फिर बात छोड़ा दाढ़ी है अभी इधर से नानी से पूछते हैं बात करें ना कौन से कहना नादरा वालों ने भेजा है। गर्मी बढ़ चुकी है दोपहर का टाइम हो चुका है और गर्मी जो है ना बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा है ना नानी। गर्मी बढ़ती भी है ना गाड़ी की एसी में चलते रहे। हाँ एसी भी चलता रहेगा अभी वेटिंग पे खड़े हैं नानी आ जाए मामी भी आ जाए फिर जाए निकलते इससे हम कपड़े खरीदते हैं ना मामू कपड़े वाला ये देखें ये आ रहा है रक्षे वाला ये जा रहा है और उसके पीछे ना ट्रैक्टर ट्रॉली भाग के जा रही है वो आ गई है बेगम वो आ रही है बेगम। नानी मेरे ख्याल में नहीं जाएगी नहीं दिखी कॉलो वो आपने साइड में है। हाँ क्या बोलती है अच्छा डिग्गी में डाल दो। अस्सलाम वालेकुम इधर खड़ी कर दी है अभी मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये कॉटन का सूट है जल्दी ख़राब हो जाएगा मैंने कहा इसके साथ कोई और सूट ले लूँ
सूट लेके ना फिर जाना चला जाऊँ। तो सूट लेने जा रहा हूँ अभी मैं, जल्दी से सूट उठाते हैं। मेहरान को भी बुलाना है, मेहरान को भी साथ लेके चलना है, तो उसको भी बुलाते हैं और फिर निकलते हैं टॉप ऑफ टॉप सीधा अल्ताफ भाई के घर में, जागरण को सरप्राइज देते हैं। फिर ये देखिए सामने घर पहुँच गया हूँ। किंदा अंदर से आ जाओ, बच्चे मेरे के अंदर स्कूल से वापस आ चुके हैं। बस स्कूल से वापस आ गए हो? वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरान जल्दी करो, बाहर गाड़ी खड़ी है, चलते हैं। तो आप ही से जाके पूछो नया सूट कोई इस्त्री वाला है तो वो उठा के दो। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। किधर जाना है? वो जाना है, उधर जाना है, सरप्राइज देना है, अल्ताफ पहाड़ के घर जाना है। जाना चाहोगे? हैं हैं है? जाना चाहोगे? हाँ सही है। चलो जी अभी निकलते हैं, फिर आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में शेयर करते रहेंगे। अभी मैंने कपड़े उठाने, कपड़े उठा के निकलते हैं। तो इसी लोग यहाँ पर इंटर जाना शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।